सर्वप्रथम आप सभी ये जान लें वास्तविकता में ये भागवत आखिरकार है क्या। आखिरकार हम भागवत कहते किसे हैं? क्या ये भागवत केवल एक पोथी मात्र है? क्या ये भागवत केवल एक ग्रंथी मात्र है जिसका हम पाठ करते हैं? क्या ये भागवत सिर्फ एक उपन्यास है या कुछ और है? मेरे प्रभु, ये भागवत ठाकुर की साक्षात स्वरूपा है, भगवान कृष्ण की साक्षात स्वरूपा है ये भागवत। भगवान श्री नारायण के श्री अंगों से दो दिव्य धाराओं को प्रकट किया। भगवान श्री नारायण ने अपने दिव्य अंग से दो धाराओं को प्रकट किया, चरणों से भागीरथी को प्रकट किया, तो मुख से भगवती धारा को प्रवाहित किया। भगवती धारा अर्थात तो भागवत रूपी धारा, और भागीरथी अर्थात तो गंगा। एक को चरणों से प्रकट किया, एक को मुख से प्रकट किया, पर यदि वास्तविकता में देखा जाए तो दोनों ही धारा मानव के कल्याण के लिए उत्पन्न की है। ठाकुर जी ने यदि इन दोनों धाराओं को प्रकट किया तो इस मानव के हितार्थ के लिए प्रकट किया। पर संतों के अंतर्गत माने अगर इन धाराओं के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कौन सी धारा श्रेष्ठ है, तो सर्वदा सभी ने भगवती धारा को ही श्रेष्ठ बताया। संत कहते हैं चरणों से मुख का सदैव विशिष्ट स्थान होता है, तो मेरे प्रभु ये भागवत गंगा से भी पवित्र है। आखिर हम भागवत सुने तो सुने क्यों? मेरे प्रभु, भागवत सुने तो सुने क्यों, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न के ऊपर चर्चा तो अवश्य होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, यदि आपको गंगा यमुना सरस्वती का एक ही साथ फल चाहिए, एक ही साथ इन तीनों धाराओं का फल चाहिए, तो आपको कहां जाना होगा? आपको सर्वदा इलाहाबाद जाना होगा, प्रयागराज जाना होगा, जहां इन तीनों धाराओं का मिलन होता है, संगम होता है। इसी प्रकार से भागवत वही धारा है जहां भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का संगम होता है। किसी और ग्रंथ को उठाएंगे तो उसमें उसी की चर्चा होगी। देवी ग्रंथ को उठाएंगे श्री देवी भागवत को, तो उसमें केवल देवियों की चर्चा होगी। शिव महापुराण को उठाएंगे तो केवल शिव की चर्चा होगी। किसी में केवल भक्ति की चर्चा होगी, किसी में केवल ज्ञान की चर्चा होगी, किसी में केवल वैराग्य की चर्चा होगी, पर भागवत भागवत में तो तीनों ही धारा समाहित है। भागवत के अंतर्गत तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की धारा समाहित है। उसी का नाम मेरे प्रभु भागवत है। ये भागवत वह धारा है जिसे यदि कोई मानव क्षण भत्र के लिए श्रवण की तो बहुत दूर की बात है मेरे प्रभु, जो मानव इस दिव्य धारा के एक बार दर्शन ही कर लेता है उसे भी ठाकुर की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। तो मेरे प्रभु, ये धारा वो धारा है जिसे ठाकुर ने अपने श्री चरणों से प्रकट की हुई भागीरथी से श्रेष्ठ स्थान दिया है। ये वही भागवत की धारा है। इसके नामों में भी इसकी गुणवत्ता झलकती है। आखिरकार भागवत है क्या? जो शब्द है भागवत, उसका तात्पर्य क्या है?
यदि इस शब्द की चर्चा करें तो इस शब्द से भी अलग अलग तात्पर्य निकलते हैं और तीनों तात्पर्य मिलकर एक तत्व का निर्माण करते हैं जिस तत्व को हम भागवत रूपी तत्व कहते हैं। भागवत शब्द के अंतर्गत चार शब्द आते हैं, भा गा वा और ता। इन तीनों शब्दों का यदि विश्लेषण किया जाए तो तीनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, चारों का अलग अलग अर्थ निकलता है। पहला शब्द है भा, जिसका अर्थ होता है भक्ति। अब आप लोग पूछोगे महाराज भक्ति क्या होती है, तो मेरे ठाकुर जी भक्ति वो नहीं होती जो माला झोली लिया और 24 घंटे जाकर मंदिर में बैठ गए, बेचारे ठाकुर जी को भी परेशान करने लगे। ठाकुर जी भी परेशान हो जाते हैं यदि 24 घंटे उनके सामने कोई माला लेकर बैठे। भक्ति उसे भी नहीं कहेंगे जो तिलक चंदन लगा लिए, धोती कुर्ता पहन लिया, गले में तुलसी की मोटे मोटे कंठे डाल लिए, आप भगत जी बन गए, इसका भी अर्थ भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ परमात्मा के प्रति पूरे समर्पण भाव से जब हम समर्पित हो जाते हैं तभी हमारे मन में भक्ति की उत्पत्ति होती है। और एक बार जिसे भक्ति प्राप्त हो जाए ना मेरे साथ, वो दो क्षण के लिए भी नाम ले लेना, ठाकुर जी उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? ठाकुर जी बड़े भोले भाले जो ठहरे, इन्हें प्रेम से एक बार देख तो लो, ये तुम्हारे पास चले आएंगे। हम मानव क्या करते हैं, हम मानव तो तरह तरह की डिमांडे रख देते हैं, पर ये ठाकुर जी तो चुपचाप एक स्थान पर बैठे रहते हैं, किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं करते। एक डिमांड अवश्य करते हैं, भाव की। थोड़ा सा मन में हृदय में भाव हो तो भक्ति स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। तो मेरे प्रभु भक्ति हम उसे कहेंगे जो परमात्मा के प्रति पूरा समर्पण भाव से समर्पित हो जाए, उसी को भक्ति कहेंगे। ये भागवत जी के पहले शब्द का अर्थ है। दूसरा शब्द आता है गा, जिसका अर्थ है ज्ञान। अब महाराज गान किसे कहेंगे, ज्ञान किसे कहेंगे हम? ज्ञान हम उसे कहेंगे जो हमारे मन को, मन के अंधकार, मन में जो अंधकार भरा हुआ है उस अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाए, वही ज्ञान है। मैंने छोटे छोटे बालकों को देखा है स्कूलों में, विद्यालय होते हैं ना, वहां छोटे छोटे बालक सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे अवगुणों को दूर हमसे कीजिए। मेरे ठाकुर जी जो बालक निर्बोध है वो भी ज्ञान की इच्छा रखता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है जब तक मेरे पास ज्ञान नहीं होगा तब तक ये दुनिया को भी मैं जान नहीं पाऊंगा, आखिर ये दुनिया कैसी है। जब हमारे पास ज्ञान होगा तभी हम इस दुनिया को जान पाएंगे, आखिर ये दुनिया है कैसे। पर आजकल लोग क्या करते, ज्ञान है पर फिर भी इस नासमझ दुनिया को समझ नहीं पाते, फालतू में दुनिया के चक्कर में आंसू बहाते रहते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है फालतू में दुनिया के चक्कर में आंसू बहाते रहते हैं, और जिस दुनिया के लिए वो आंसू बहाते हैं पता है वो दुनिया कैसी है। एक कवि इस बात पर बड़ी अच्छी बात कहते हैं, एक कवि बताते हैं कि इस दुनिया के लिए जो आंसू बहाता है उसके साथ ही दुनिया कैसी करती है। कवि कहते हैं हमने उनकी याद में रो रो कर टप भर दिए, हमने उनकी याद में रो रो कर टप भर दिए, वो नादर्द आए नहाए और चल दिए, हमारे आंसुओं से नहाए और चल दिए। इसलिए ठाकुर यदि ज्ञान मिले ना तो इसे दुनिया के लिए मत रखना, थोड़ा सा ज्ञान उस ठाकुर को जानने के लिए रखना। यदि पहचान सको तो अपने ज्ञान से उस हरि को पहचानो, ठाकुर जी को पहचानो।
तब तो तुम्हारे ज्ञान का कोई महत्व है, अन्यथा उस ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं है। हमारे पास ज्ञान है पर हम यही नहीं जान पाए आखिर हमें उस ज्ञान का प्रयोग क्या करना है। तुम्हारे पास ज्ञान हुआ तो हुआ कैसा। इसलिए यदि जीवन में कभी कुछ थोड़ा भी समझ पाओ ना तो उस ठाकुर को जरूर समझ लेना। तो मेरे ठाकुर जी, यदि जीवन में कभी भी मौका मिले उस हरि का नाम लेने का तो उस मौके को कभी आप छोड़ना मत। तो मेरे ठाकुर, जब मौका मिले तब उस ठाकुर की भक्ति करो, ठाकुर का भजन करो। बोलो राधे राधे, राधे राधे। अच्छा एक बात तो पता चली है दिल्ली में आकर, दिल्ली वालों को राधे राधे बोलना नहीं आता। आपको तो हम सिखा दे कि वृंदावन में राधे राधे कैसे बोलो जाए, पतो है कि ना? जे जे। अगर ना पतो तो हम बता दे। देखो जहां भी कथा होती है ना वो स्थान वृंदावन के समान बन जाता है। और जो वृंदावन की खासियत ये है कि वृंदावन में यदि राधे राधे ना बोला जाए तो वृंदावन वृंदावन सा नहीं लगता। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, अगर यहाँ रहना है तो राधे राधे तो कहना पड़ेगा। और प्रेम से हाथ उठाकर कहा जाता है बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे। अब 7 दिन तक चाहे मेरा अत्याचार समझो या ठाकुर के प्रति प्रेम, राधे राधे तो आपको ही बोलना पड़ेगा। और कोई बोलने नहीं आएगा, बाहर से नहीं बुलाऊंगा किसी को। ये रिकॉर्डिंग वाले भैया नहीं बोलेंगे ना ये बोलेंगे, बोलना तो आपको पड़ेगा। बोलो राधे राधे, तो प्रेम से बोला करो। तो बीकानेर का एक सज्जन मेरे पास आया, सज्जन आया, मैंने उसे पास बिठाया, बड़ी अच्छी स्वागत की। वो सज्जन आकर बोले महाराज जी आपके विषय में पूरे शहर में चर्चा हो रही है। मैंने बोला भैया कैसी चर्चा हो रही है जरा हमें भी तो बता, हम तो सुन ले कैसी चर्चा है रही है। वो सज्जन बोले महाराज जी ऐसी चर्चा हो रही है आप सुनोगे तो हंसोगे, इसलिए हम आपको बताना ही नहीं चाहते। हमने पूछा भैया बता तो सही कैसी चर्चा हो रही है। कहा छोड़ो महाराज जी आप क्या पूछो। कहा मैंने कहा भैया बता तो सही। कहा छोड़ो महाराज जी, अब इन लोगों की बात तो देखो, पहले उकसा देते हैं फिर बताते भी नहीं है, पहले उकसा देते हैं फिर बताते भी नहीं है। अब मैंने ज्यादा जिद करी कि भैया बता तो सही पूरे शहर में कैसी बात हो रही है, क्या बात हो रही है बता तो सही। अंत में वो सज्जन हार थक कर बोले कि महाराज जी पूरे शहर में चर्चा हो रही है कि वृंदावन से कोई पागल आया है और शहर भर के सारे पागलों को इकट्ठा कर कर राधे राधे बुलवा रहा है। तो मेरे ठाकुर मेरे प्यारे जान लेना, जब ये दुनिया तुमसे पागल कहने लगे, ये दुनिया तुमको छोड़ दे, तब वो हरि वो ठाकुर तुम्हें अपना लेता है, वो राधे तुम्हें अपना लेती है। तो प्यारे कभी उसका साथ मत छोड़ना, जब मौका मिले तब राधे राधे बोलो, बोलो राधे राधे। तो प्यारे जब मौका मिले छूटना नहीं चाहिए उसे, और यही भक्ति की भी मान्यता है। मैंने पहले भी कहा था भक्ति का अर्थ नहीं माला झोली लेकर मंदिर में ही अड़कर बैठ गए, अनशन पर बैठ गए, व्रत कर कर अपने शरीर को कष्ट देने लगे, ऐसा नहीं है। भक्ति तो प्रेम से की जाती है। भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है, भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है। जो प्रेम करना जानता है वही भक्ति करना जानता है। अच्छा ब्रजवासी भक्ति क्यों करते हैं? ब्रज कोई अलग स्थान नहीं है। आप सोचते हो ब्रज कोई बड़ा स्थान हो अलग स्थान हो, ब्रज भी इस धरती का हिस्सा है। जैसे ये दिल्ली शहर इस धरती का हिस्सा है ऐसे ही वो वृंदावन भी इस धरती का हिस्सा है। पर वहां अलग क्या है? वहां केवल प्रेम है। जहां प्रेम और भक्ति का मिलन हो वही स्थान ब्रज बन जाता है। तो प्यारे
जिस क्षण तेरे मन में प्रेम जाग जाए ना, जिस क्षण तेरे मन में प्रेम जागे उसी क्षण समझ लेना तू ठाकुर जी के पास जाने लगा, तेरे मन में भक्ति की उत्पत्ति होने लगी। इसी का नाम भक्ति है, उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान जिस मन के अंधकार को दूर कर कर एक अलौकिक प्रकाश इस मन में जला दे, वही ज्ञान होता है। जिस ज्ञान के अंधकार को मिटाकर, ज्ञान के अंधकार को मिटाकर इस हृदय में प्रेम भर दे, वही मेरे ठाकुर जो अंधकार को मिटाए वही ज्ञान है। और ये भागवत जी के दूसरे शब्द की प्रकाशता है, भासे भक्ति गासे ज्ञान। आप लोग इतनी देर से सुन रहे हो, अब एक बात तो बताओ, जो तीसरा शब्द है उस वो कौन सा है? वाह, वाह का अर्थ सबसे श्रेष्ठ, वाह का अर्थ वैराग्य। पूछोगे महाराज जी वैराग्य का मतलब क्या होता है? क्या वैराग्य उसी को कहते हैं जो भगवे कपड़े लेकर बाहर चले जाते हैं? एक तरह से वैराग्य का अर्थ यही है, जो दुनिया के राग रंगों से मुक्त हो जाए। दुनिया के राग रंगों से जो मुक्त हो जाता है वही वैरागी हो जाता है। जिसे दुनिया में कोई और चर्चा सुहाती नहीं है, केवल एक हरी चर्चा सुहाती है, वही वैरागी है। जो हमारे संत घूमते हैं ना घर घर में रोटी मांगते हुए, घर घर में आटा मांगते हुए, वही वैरागी है। आप उनको दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हरी चर्चा करने बैठो वो फट से बैठ जाएंगे। और ध्यान रखना, कथा का पहला दिन है, बता देता हूं, ये जितने भी संत महात्मा हुए हैं ना, ये सब कृष्ण कथा का अमृत पीकर हुए हैं। क्योंकि एक बार जो इस अमृत को पी ले उसके बाद दुनिया में कुछ अच्छा ही नहीं लगता, फिर तो दर दर की ठोकरें खाकर दो रोटी मांगता फिरता है और उस हरि के नाम को ढूंढता है, आखिर वो शाम कहां मिलेगी? वही वैरागी है जो दुनिया के राग रंगों से मुक्त होकर केवल श्याम रंग में रंग जाए, वो वैरागी है। वैराग्य आप घर में लेकर भी धारण कर सकते हैं, आप घर में रहते हुए भी वैराग्य धारण कर सकते हैं। संत बन सकते हैं आप, ग्रस्त में बन सकते हैं, तो वैराग्य सर्वश्रेष्ठ। ये भागवत के तीन शब्द हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य भा गा वा। और चौथा शब्द आता है ता, ता का अर्थ होता है तरण, जब तरण का अर्थ मेरे प्रभु मोक्ष की प्राप्ति कराना, इस दुनिया से ही दूर चले जाना, कहीं दूर उस ठाकुर के चरणों में जब हम चले जाते हैं उसी को हम तरण कहते हैं। जब भक्ति ज्ञान वैराग्य हमारे हृदय में होंगी तो तरण तो स्वतः ही हो जाएगा, वो हरि हमें अपना लेगा, स्वयं ही अपना बना लेगा, फिर तो किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भागवत एक प्रेम ग्रंथ है, एक भक्ति रूपी ग्रंथ है, ज्ञान रूपी ग्रंथ है, वैराग्य रूपी ग्रंथ है। वेदों में वेद पांचवा वेद, पुराणों में पुराण महापुराण। पुराणों में तो इसको पुराणों का तिलक भी कहा गया है, पुराण तिलकम। मेरे प्रभु ऐसी श्रेष्ठ है ये भागवत की भगवती धारा, जो एक बार इसका श्रवण कर ले, एक बार दर्शन कर ले, उसके जीवन का उद्धार उसी क्षण ठाकुर कर देते हैं। और आप तो कलयुग में वास करते हो, मैं अपने पूर्ण विश्वास के साथ एक बात कह सकता हूं, यहां इतने कितने सज्जन बैठे होंगे जिन्होंने एक बार नहीं कई कई बार भागवत का श्रवण किया है।
ऐसे कितने सज्जन यहाँ पर विराजमान होंगे जिन्होंने जीवन के अंतर्गत पर्यंत समय में जाने कितनी बार भागवत का श्रवण किया है। मेरे ठाकुर, ये वही कथा अमृत है जिसको नारायण ने रसपान कराया। समय समय पर अनेक अनेक वक्ताओं ने इसका रसपान किया, अनेक अनेक श्रोताओं ने इसका रसपान किया। ये तो वो भागीरथी है साहब, जिसमें जो गोता लगाए वही पार हो जाए। गंगा में ज्यादा गहरा गोता लगाओगे तो चले जाओगे, पर भागवत में जितना गहरा गोता लगाओगे उतना ही ज्यादा आनंद पाओगे। तो ये श्रेष्ठ धारा है, भगवान ने चरणों से भागीरथी को प्रकट किया तो मुख से भगवती को प्रकट किया। आज हरि की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से इस भागवत का प्रथम दिवस है। आज इस कथा का प्रथम दिवस है, आज महात्म की कथा का वर्णन है। महत्व का अर्थ होता है किसी तत्व की महिमा का वखान करना, किसी के विषय में वखान करना कि इसकी क्या विशेषता है, यदि हम इसका इस्तेमाल करें, इसका प्रयोग करें, इसका श्रवण करें तो हमें क्या लाभ होगा। यूं तो भागवत का महत्व हर पुराण में है, हर वेद में है, पर जो प्रथा कहती है, प्रथा पदम पुराण के महत्व को सुनाने के लिए कहती है। पद्म पुराण के अंतर्गत जिस महत्व का वर्णन किया गया है उसी महत्व का हम वाचन करते हैं और आप सभी प्रेम पूर्वक उसका श्रवण करते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे काम नहीं चलेगा, बोलना सभी को पड़ेगा, प्रेम से पड़ेगा। बोलो राधे राधे। अरे साहब, यहां तक तो सुनाई नहीं दिया, ऐसा बोलते हो आप? हमारे बाबा लोगों, मैयाओं ने आज खाना नहीं दिया क्या? पूरा दिन हो गया यहां पर और हमारी मैया कुछ खाकर नहीं आई क्या? तो प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज आनी चाहिए यहां तक, नहीं वहां तक भी आवाज पहुंचनी चाहिए, श्री जी के कान तक। बड़ी प्यारी है मेरी श्री जी सरकार। कैसी हैं श्री जी? कृष्ण के पास जाओगे तो बड़ी लंबी लाइन लगी पड़ी है, बात पहुंचेगी नहीं। और कृष्ण तक अगर बात पहुंचानी है ना तो श्री जी के कान में चुपचाप डाल दो, वो रात को कृष्ण को अपने आप बता देंगे। ऐसी प्यारी है मेरी श्री जी सरकार, तो उनके कान तक अवश्य आवाज पहुंचनी चाहिए। ऐसे बोला करो, बोलो राधे राधे। तो आज इस दिव्यानंदमय कथा का प्रथम दिवस है, महात्म का वर्णन इस कथा के अंतर्गत आता है। पद्म पुराण का महत्व इस कथा के अंतर्गत श्रवण कराया जाता है। हम अभी महात्म के विषय पर चर्चा कर रहे थे, आखिर वास्तविकता में इस भागवत का महत्व क्या है। यदि भागवत को हम जीवन में धारण करें तो क्यों करें? यदि हम भागवत सुने तो क्यों सुने? आप सभी लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि हम कीमती अपने कीमती समय से में से जो समय भागवत के लिए निकालें तो क्यों निकालें? भागवत सुने तो क्यों सुने? तो मेरे ठाकुर, एक बार भगवान श्री विष्णु का पुण्य स्थान नैमिषारण्य, जहां पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं और व्यास गद्दी पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। सूत जी महाराज प्रतिदिन उन ऋषियों को कोई ना कोई रोचक नई कथा सुनाते हैं और वो ऋषि बड़े आनंद से उस कथा का श्रवण करते हैं।
सूजी महाराज रोजाना कुछ नई कथा सुनाते हैं, सबको आनंदित करते हैं, सबके मन को हर्षित करते हैं, उनके मन के अंतर्गत ज्ञान रूपी तत्व की उत्पत्ति करते हैं। एक दिन सूत जी महाराज कथा का वर्णन कर रहे थे, उसी समय 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री शौनक जी महाराज उसी क्षण खड़े हुए। शौनक जी महाराज ने हाथ जोड़े का मैं सूत जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। सूत जी को प्रणाम किया, का सूत जी आप परम तपस्वी हैं, यशस्वी हैं, हर प्रकार से वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप व्यास जी के शिष्य हैं, सुखदेव जी के सहपाठी हैं, आप व्यास जी के शिष्य हैं, सुखदेव जी के सहपाठी हैं, आप अनंत रूप से हमें सुंदर कथाओं का श्रवण करा रहे हैं। उन कथाओं की श्रवण करते करते मेरे मन में एक प्रश्न की उत्पत्ति हुई है, मैं आपसे एक प्रश्न करने की इच्छा रखता हूं। महाराज मैंने सुना है आगे एक कलयुग नाम का युग आने वाला है,